तो आज के हमारी इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अपने हमने अभी तक एरिया चार्ट तक कवर कर लिया, हम बात करेंगे कॉम्बो चार्ट के बारे में। तो जैसे कि हमने अमाउंट को ले लिया, प्रोडक्ट को ले लिया एंड क्वांटिटी को ले लिया यहाँ पे, बट प्रॉब्लम है कि हमारा यहाँ पे कॉम्बो एंड लाइन चार्ट एक्टिवेट नहीं हुआ है, क्योंकि लाइन चार्ट के लिए एक ए चाहिए होता है, एक डेटा चाहिए होता है। एक बार मैं अपना रिपोर्ट पहले जनरेट करता हूँ, मैं यहाँ पे सिटी को रखता हूँ, मैं रो में, मैं नेम को रखता हूँ कॉलन में, और फिर हम क्वांटिटी को रखते हैं यहाँ टेक्स्ट में। तो डेटा हमारा आ गया, तो इस पे भी हमारा कॉम्बो चार्ट एक्टिवेट नहीं है। इसमें हमारा एक बबल चार्ट है, एक बबल चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका जितना बड़ा बबल और जितना ऊंचा बबल आपका यहाँ पे दिखता है मेन मरीज, ये आप ये बबल चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें देखिए आपके सामने ये आता है, इसको बोलते हैं बॉक्स एंड बिस्कट प्लॉट नाम आता है नीचे, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें आप देखिए डिटेल्स में इसका दिया हुआ है, और अगर मैं एक काम करूं कि मैं इसमें अपनी अमाउंट को, जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को अगर मैं लेबल में रख देता हूं, तो यहाँ पे इसकी फिगर्स आपको मिलना शुरू हो जाए। इस तरह की प्लॉटिंग भी आप कर सकते हैं इसमें। दूसरी यार अगर मैं यहाँ से हटा दिया तो नेम वाइज, और इस तरह की प्लॉटिंग हम इसी चार्ट के थ्रू करते हैं। अगर इस तरह का चार्ट आपको दिखता है तो आप इस तरह के चार्ट को हम इसी चार्ट के थ्रू शो करते हैं, इसको बॉक्स एंड विक्सर प्लॉट ट्राई करते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपके सामने, लेकिन अगर मैं इसी को रो में रख दूँ तो क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा। सिटी को मैं हटा दूं तो आपका पूरा टेबल के फॉर्मेट में आ जाता है। फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का बनेगा, लेकिन जो उतना सही तरीके से व्यू नहीं करेगा। मैं टोटल कॉल्स ले रहा हूं और टोटल क्वांटिटी ले रहा हूं, कॉल्स एंड क्वांटिटी लिया, तो उस पर आप देखिए हमारे पास कौन कौन सा चार्ट एक्टिवेट हुआ। एक तो ये चार्ट एक्टिवेट हुआ क्योंकि कॉल्स जो है हमारा नंबर है, आप देखेंगे डेटा में जाके तो जो कॉल्स है हमारा वो कॉल्स टोटल कॉल जो है यहाँ पे नंबर में। तो अगर मुझे नंबर वाइज अगर लेते हैं डेटा अपना, तो हमारा जो विजुलाइजेशन जो है देख सकते हैं यहाँ पे, हमने टोटल कॉल्स एंड हमने क्वांटिटी लिया, तो इसमें इस तरह की विजुलाइजेशन तैयार हो रहा है। सबसे पहला तो देखिए ये आपका प्लॉटिंग सिस्टम आ जाता है, और मैं इसको इसमें कन्वर्ट किया तो ये आपका पूरा मैप सिस्टम आता है कि भाई किससे कहाँ तक और कितने कॉल्स है। यहाँ पे लिखा हुआ सम ऑफ द टोटल कॉल्स, और क्वांटिटी उल्टा हो गया हमारा, क्वांटिटी और कॉल्स यहाँ पे आ गया, क्वांटिटी कितनी है कॉल्स कितना है। अगर मैं चाहूँ क्वांटिटी को अगर लेबल में रख दूं तो यहाँ बताए, यहाँ पे आपको समझा रहा है ये क्वांटिटी क्या है। अब मैं यहां से हटाता हूँ और टोटल कॉल्स को रखता हूँ लेबल में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए इसका यूज हम लोग जब दिखाना होता है कि भाई किसमें कितना हुआ, तो इस ये इसकी हम बात कर रहे हैं। और ये चार्ट और ऊपर वाला चार्ट मोस्टली एक ही चार्ट होता है, जैसे कि हमने डेट को सिलेक्ट कर लिया और हम यहाँ पे क्वांटिटी को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेट नहीं हुआ, मेन प्रोडक्ट
इस तरह की जो विजुलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, इस तरह की यूज की जाती है विजुलाइजेशन। तो बने रहे, अगले वीडियो में हम बाकी विजुलाइजेशन के ऊपर एक बार शॉर्ट नोट करेंगे।